हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्विकली एनालाइज कर लेते हैं CDSL एज इन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड को। तो स्टॉक का चार्ट देखते हैं, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ऐसे क्विक एनालिसिस के लिए। चार्ट में आप देख रहे होंगे लास्ट वीडियो जो मैंने कवर किया था CDSL का, उसमें इसके ब्रेकआउट लेवल्स बताए थे और वो अपने मैच होते हुए दिखे हैं। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और स्टॉक वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा और अभी स्टॉक एक ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अगर ये निकल जाता है ऊपर तो फिर आप देखोगे कि स्टॉक में आपको 1280 तक के टारगेट्स ईजिली देखने को मिलेंगे। बिकॉज आप देख रहे होगे तो स्टॉक सिर्फ दो काउंटर्स पे फंस रहा है, एक ये वाला काउंटर हो गया, दूसरा इसके ऊपर वाला ये काउंटर। ये दोनों ही काउंटर बहुत एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं स्टॉक में। बिकॉज आप देखोगे अगर यहाँ से रिवर्सल देता है स्टॉक तो फिर स्टॉक नीचे वाले काउंटर को छुएगा और वो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 1100 के लेवल के अराउंड पे। और अगर वो काउंटर भी टूट जाता है, सॉरी वो आपको 1150 के अराउंड पे लेवल पे मिलेगा और वो काउंटर अगर टूटता है तो फिर स्टॉक और नीचे 1100 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ से स्टॉक सस्टेन कर जाता है ऊपर तो 1280 के टारगेट्स अपने निकल के आ रहे हैं। ऐसा लास्ट वीडियो में मैंने स्टॉक की सारी चीज़ें बताई दी थी। फिलहाल तो स्टॉक का मोमेंटम ऊपर ही दिख रहा है बिकॉज निफ्टी अच्छा चल रहा है। और एक और नई रिपोर्ट आई है ऐसा CDSL से लेके, तो उसमें था कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खोले गए हैं इन लास्ट 1 ईयर। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब डीमैट अकाउंट्स ज़्यादा खोले जाएंगे तो फिर आप पाओगे कि ब्रोकरेज भी इनका उतना ही बढ़ने वाला है अच्छा खासा। तो ये वो स्टॉक हैं जिनका पोटेंशियल बहुत अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, सभी चीज़ें अच्छी हैं, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और जितना ज़्यादा इनकी ब्रोकरेजेस बढ़ने हैं इनके स्टॉक प्राइस भी उतना ही भागने वाला है। तो होपफुली आपको वीडियो सारा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ़।